उन्नाव गैंगरेप से जुड़े 5 केसेस को यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ही देर में फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को उन्नाव में पीड़ित से हादसे की जांच एक हफ्ते के भीतर पूरी करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में इसके लिए 30 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन चीफ जस्टिस ने इतना ज्यादा वक्त देने से इनकार कर दिया। पीड़ित के खत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से भी सफाई आई है। रजिस्ट्री की ओर से बताया गया कि इस महीने 6,900 लेटर मिले हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक स्क्रीनिंग की गई थी, लेकिन पीड़ित का नाम पता न लिखे होने की वजह से वो इस मामले को समझ नहीं पाए। उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी से निलंबित थे और उन पर न सिर्फ रेप का आरोप था, बल्कि रेप पीड़ित से सड़क हादसे में भी उनको आरोपी बनाया गया था। कुलदीप सिंह सेंगर को हत्या का भी आरोपी बनाया है। रायबरेली में उन्नाव पीड़ित के सड़क हादसे के बाद से ही निलंबित कुलदीप सेंगर को बीजेपी से निकालने की मांग चल रही थी। आजम खान के समर्थन में रामपुर जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुरादाबाद में ही पुलिस ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और सांसद एसटी हसन को हिरासत में ले लिया। रामपुर के एसपी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं मांगी गई है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 800 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया है। साथ में रामपुर जिले की सीमाओं पर भी चेकिंग चल रही है। रामपुर में आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रदर्शन से पहले ही जिले की सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सीमाओं के साथ साथ शहर के अलग अलग जगहों पर पुलिस की चेकिंग जारी है। जिलाधिकारी ने बताया है कि जिले में धारा 144 लागू है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर अब कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है। इस छूट से सब्सिडी पर करीब 1800 करोड़ का खर्च आएगा। केजरीवाल के मुताबिक 2013 से पहले 200 यूनिट बिजली के लिए दिल्ली वालों को 900 रुपए देना पड़ते थे, लेकिन अब इसके लिए एक भी रुपया नहीं देना होगा। सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल ने मरीजों की मुश्किल बढ़ा दी है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से आज मरीजों के लिए मुसीबत का दिन। इस हड़ताल से दिल्ली में इमरजेंसी सेवा पर असर तय है। आज हजारों ऑपरेशन टल सकते हैं। एम्स और सफदरजंग के अलावा आरएमएल, लेडी हार्डिंग, एलएनजेपी भी हड़ताल में शामिल है। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में हड़ताल का असर कम है। एनएमसी बिल के खिलाफ एम्स के डॉक्टर आज संसद तक मार्च भी निकालेंगे। ट्रिपल तलाक बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये विधेयक अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति ने बुधवार देर रात इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी। इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। तीन तलाक बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में पारित किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 3 बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म किए जाने की प्रथा को 22 अगस्त 2017 को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ट्रिपल तलाक बिल के पास होने पर मोदी सरकार की तारीफ की गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ट्रिपल तलाक का बिल पास कराने पर मोदी सरकार की जमकर बढ़ाई कर रहा है। सामना में लिखा है कि हिंदुस्तान की 12 करोड़ मुस्लिम महिलाएं अब खुलकर सांस ले पाएंगी। वे ट्रिपल तलाक वाली गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो गई हैं। एक नई आशा के साथ करोड़ों महिलाएं एक नया जीवन जिएंगी। मोदी सरकार इसके लिए अभिनंदन की पात्र है। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने सदन देर तक चलाए जाने का विरोध किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सदन में लगातार देर शाम तक कामकाज हो रहा है और ये सजा है। उन्होंने कहा कि संसद को फैक्ट्री की तरह नहीं चलाया जा सकता। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने भी समय बढ़ाने का विरोध किया, तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने भी देर तक लोकसभा चलाने पर नाराजगी जताई और कहा कि इस वजह से हम लोग किसी भी शादी में नहीं जा पा रहे। अयोध्या विवाद मामले में मध्यस्थता पैनल आज सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 11 जुलाई को एक याचिका पर पैनल से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आने के बाद संवैधानिक पीठ इस मामले के समाधान को लेकर फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई की तारीख 2 अगस्त तय की गई है। उस दिन शीर्ष अदालत ये तय करेगी कि मामले का हल मध्यस्थता से होगा या अदालती सुनवाई से। जम्मू कश्मीर के बड़गाम के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। काजीपुरा इलाके में शौकत अहमद तांत्रे नाम के इस आतंकवादी को हथियार के साथ पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक वो कुलगाम के बारपुरा का रहने वाला है और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। पुलिस अब पूछताछ के जरिए उसके साथियों का पता लगाने में जुटी है।
जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को बद्रहामा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग कर जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा मिला है। सुरक्षा बलों को कांठापुरा सोंगम के जंगलों में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों के एक ठिकाने के बारे में पता चला। इस ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और खाने पीने का सामान बरामद किए गए। सूत्रों की माने तो ये सामान सीमा पार से लाए गए थे। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे उमर की तलाश में लखनऊ और प्रयागराज में सीबीआई ने छापेमारी की है। देवरिया जेल में कारोबारी के अपहरण और मारपीट के मामले में उमर की पुलिस को तलाश है। इस मामले में अतीक अहमद सहित 10 आरोपी हैं। अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है, जबकि उसका बेटा उमर फरार है। राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पास हो गया। नए बिल के मुताबिक अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना होगा, जबकि गलत तरीके से गाड़ी चलाने और ओवर स्पीडिंग पर 5,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना 5,000 रुपए का होगा। नए कानून में 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 साल जेल का प्रावधान है। लोकसभा में सांसदों की सीट का क्रम तय हो गया है। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, नरेंद्र सिंह तोमर को पहली पंक्ति में जगह दी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दूसरी पंक्ति में बैठेंगे, जबकि सोनिया गांधी को पहली पंक्ति में जगह दी गई है। कम सांसद होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव पहली पंक्ति में बैठेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में 3 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बच्ची को रेलवे स्टेशन से उठाया था और बाद में सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। उसके बाद बच्ची का गला काट कर उसकी हत्या कर दी। बच्ची को अगवा कर ले जाने की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी वीडियो के सहारे ही पुलिस आरोपी को पकड़ने में कामयाब हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 3 बच्चियों से रेप करने के आरोप में भी एक दूसरे आरोपी को पकड़ा है। मुंबई में लोकल ट्रेन में खतरनाक स्टंट करना 2 युवकों को भारी पड़ गया है। स्टंट करने के आरोप में पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया है, जिनको बाद में कोर्ट में पेश किया गया। ये दोनों युवक लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर स्टंट कर रहे थे। यूपी के बांदा में बस और ऑल्टो कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में मरने वाले सभी लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं, जो चित्रकूट में दर्शन कर वापस लौट रहे थे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा के साथ सीता जी की मूर्ति लगाने की मांग की गई है। यूपी सरकार में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह ने इस बारे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के साथ सीता जी की मूर्ति स्थापित कराने का सुझाव दिया। साथ ही प्रतिमा के आसपास भगवान श्री राम के पूर्वजों का पार्क बनाने की भी मांग की। महाराष्ट्र में आज से बीजेपी की महाजनादेश यात्रा शुरू हो रही है। खासतौर पर तैयार किए गए रथ में सवार होकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सूबे के 30 जिलों से होते हुए करीब 25 दिनों में 4,232 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। महाजनादेश यात्रा 152 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान 104 जनसभाएं भी आयोजित होंगी। 1 अगस्त से शुरू हो रही यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी। भारी बारिश के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन पानी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। पंजाब के लुधियाना शहर में जमकर बारिश हुई है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें तालाब बन चुकी हैं। पिछले कई दिनों से पंजाब के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात में जमकर बारिश हो रही है। आलम यह है कि सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। वडोदरा में तो सड़कें नदी बन गई हैं, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना पड़ रहा है। वडोदरा में 14 घंटे में 18 इंच बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से वडोदरा के जिला कलेक्टर ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आज बंद करने का आदेश दिया है। वडोदरा स्टेशन और उसके आसपास जलभराव के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। अहमदाबाद में पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां घंटों तक हाईवे पर फंसी रही। गुजरात के आंध्र के आंकलाव में पड़ने वाले चमड़ा गांव में बारिश की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला।
कच्छ के कोठारा गांव और आसपास बुधवार को 11 इंच बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाके में पानी भरने की वजह से एक पुल भी टूट गया। असम में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। चिरांग जिले में एक घर में चल रही इस अवैध फैक्ट्री से पुलिस को काफी तादाद में बनाए गए हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इस दौरान पुलिस के हत्थे एक बदमाश चढ़ा। हालांकि फैक्ट्री में काम कर रहे बाकी बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। धनबाद के पीएमसीएच अस्पताल के आईसीयू में भी मरीज सुरक्षित नहीं है। आईसीयू में चूहों की भरमार देखने को मिल रही है। यहां बेहोश मरीजों पर चूहे हमला करते हैं, उनके अंगों को कुतर कर खा जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें कैंसर के मरीज शमीम मलिक के अंगों को चूहों ने कुतर कर खा लिया। बुधवार को मोहाली एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। सीटीयू की बस में एक महिला पुलिसकर्मी बिना वर्दी के सफर कर रही थी। जब कंडक्टर ने महिला पुलिसकर्मी का टिकट काटने की कोशिश की तो महिला ने रौब दिखाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद कंडक्टर ने टिकट काट दिया। उसके बाद महिला पुलिसकर्मी और कंडक्टर के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। महिला पुलिसकर्मी ने अपने एक साथी को बुलाया और बस का चालान करने की कोशिश की। वहीं पंजाब पुलिस का आरोप है कि मोहाली एयरपोर्ट पर महिला कांस्टेबल के साथ सीटीयू बस के कंडक्टर ने बदतमीजी की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो यूपी के बागपत का है, जहां पर पिस्तौल से फायरिंग कर केक काटा गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक अवैध हथियारों से फायरिंग कर अपने एक साथी के बर्थडे का केक काट रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही फायरिंग कर रहे युवकों की पहचान कर उन पर कार्रवाई कर रही है। मालेगांव के गिरना नदी पर बने बांध की दीवार पर कुछ लड़कों के साइकिल चलाने की घटना सामने आई है। चड़कापुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से गिरना नदी का पानी मालेगांव में पहुंच गया है। पानी की रफ्तार देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बांध पर पहुंचने लगे। वहीं कुछ लोग साइकिल के साथ स्टंट करते नजर आए। बांध की दीवार कम चौड़ी और ऊंची होने की वजह से यहां कभी भी हादसे का खतरा बना रहता है। चेन्नई में 7 साल के एक बच्चे के मुंह से 526 दांत निकाले गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये दांत जबड़े की हड्डी में इस कदर लगे हुए थे कि बाहर से दिखाई ही नहीं देते थे। 7 साल के रविंद्रनाथ के दाएं गाल पर सूजन देखकर उसके माता पिता को लगा कि दांत सड़ गए होंगे। हालांकि डॉक्टरों की जांच के बाद पता चला कि रविंद्र के जबड़े के नीचे 526 दांत छिपे हुए थे। डॉक्टरों ने सर्जरी करके कुल 526 दांत निकाले। अब इस बच्चे के मुंह में केवल 21 दांत बचे हैं। सर्जरी के बाद बच्चे के जबड़े और पूरे मुंह में होने वाला दर्द भी खत्म हो गया है। फरीदाबाद में स्कूल से रिटायर हुए क्लर्क ने हेलीकॉप्टर पर सवारी कर रिटायरमेंट का जश्न मनाया। कुदेराम नाम के व्यक्ति की बचपन से हसरत थी कि वो एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठे, जो कि उसने रिटायरमेंट पर पूरी की। इसके लिए उसने 3.5 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर बुक करवाया और उसी स्कूल में हेलीकॉप्टर उतरवाया जहां वो काम करते थे। बाद में छोटे भाई और परिवार के साथ बैठकर उन्होंने पूरे शहर का चक्कर लगाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ऐसा बर्ड हाउस बनाया गया है जिसमें एक साथ 624 पक्षी रह सकते हैं। यहाँ के पदमपुर रोड पर बनाया गया ये बर्ड हाउस 32 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसमें 13 मंजिलें हैं। पक्षी विहार नाम के इस बर्ड हाउस में पक्षियों के खाने पीने और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। अब गर्मी सर्दी और बरसात में पक्षियों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारकों को मनी ट्रांसफर के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और योनो ऐप का इस्तेमाल करते हुए IMPS पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसका फायदा आज से मिलेगा। IMPS से 2 लाख रुपए तक की राशि तुरंत ट्रांसफर की जा सकती है। मौजूदा वक्त में 1000 रुपए तक ही IMPS फंड ट्रांसफर मुक्त है। इसके बाद की राशि पर 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक चार्ज लगते हैं। केंद्र सरकार गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों की रेवेन्यू लिमिट और यूजर्स लिमिट तय करने की तैयारी में है। 20 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू और 5 लाख से ज्यादा यूजर्स होने पर इन कंपनियों को स्थानीय स्तर पर हुई कमाई में मुनाफे पर डायरेक्ट टैक्स चुकाना पड़ सकता है।